आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दे रखी है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड और हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में। तो वो क्या होता है, किसी भी मीडियम में कैसे डिफाइंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में होती है, उन दोनों का रेशियो होता है सी बाय वी। तो सी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, सी मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू हमें पता है होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है। और जो इस केस में इस मीडियम में ग्लास है जो हमारा, उसमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी इक्वल्स टू 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दे रखी है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा म्यू जी, ये आ जाएगा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 10⁸ और 10⁸ दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, म्यू जी इज इक्वल टू 1.5। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया, 1.5। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।